चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे इनका नेटवर्क काम करता है। देखिए, हर स्टेट में इनकी एक बड़ी टीम होती है और ये टीम एक्टिव रहती है, काम करती है। यूज़र आईडी बनवाने का टारगेट इन्हें दिया जाता है, मैसेजेस जो आते हैं, जो लिंक आता है उसमें यूज़र आईडी बनवाने का टारगेट दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड करूँ। टेलीकॉलिंग के लिए भी अलग टीम होती है। जी हाँ, जैसे आपके पास अमूमन अलग अलग चीज़ों के लिए कॉल्स आते हैं कि आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, इतने का सब्सक्रिप्शन है, ऐसी ही कॉल्स आती हैं। नॉर्मल कॉल आएगी, इनको डेटाबेस से नंबर मिल जाते हैं और ये रैंडम कॉल्स करते हैं, कोई कोई फंस भी जाता है। लोगों के नंबर प्रोवाइड करती हैं कंपनियां और टीम का टारगेट होता है कि लोगों तक लिंक पहुंचाया जाए, लिंक पे वो क्लिक करें और अकाउंट बनाकर गेम खेलना शुरू कर दें। इसके लिए बकायदा टारगेट दिया जाता है। नॉर्मली कॉल्स आते हैं और उसके बाद आप उसमें फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए अलग टीम बनाई जाती है, क्योंकि आजकल तमाम जो सोशल मीडिया माध्यम है उससे प्रभावित होकर लोग बहुत कुछ करते हैं, तो उसको भी यहाँ पर जरिया बनाया जाता है। और समझिए, ये एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस गेमिंग ऐप को लेकर प्रमोशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसे प्रमोशन होता है? बहुत से बड़े बड़े चेहरे प्रमोशन करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जा रहा, उन्हें तो प्रमोशन का पैसा मिल रहा है, लेकिन आपके पैसे यूं ही हवा में उड़ते हैं आपके पैसे, क्योंकि आपके पैसों पर एक तरह का वार है। प्रमोशन सुपरस्टार्स करते हैं। जी हाँ, आप क्रिकेटर्स को देख लीजिए, क्रिकेटर्स को उसके लिए बकायदा हायर किया जाता है, वो प्रमोट करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस को, कहते हैं कि गेम खेलिए और पैसे जीतिए। वहीं आपको बताएं, इसके अलावा कौन प्रमोट करता है? एक्टर्स प्रमोट करते हैं। एक्टर्स के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिख जाएंगे जो ये कह रहे होंगे कि गेम खेलें। और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसको लगातार फॉलो करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ ये पूरा जाल फैला हुआ है, चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जाल कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान, गेमिंग ऐप का ये पूरा भ्रम जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तेलंगाना, इसके अलावा कहां, सिक्किम में भी ये मामले सामने आए हैं, चंडीगढ़ में मामले सामने आए, नाम लेते जाइए, महाराष्ट्र है, इसके अलावा गुजरात है। वहीं बात करें दिल्ली में तो बहुत सारे केसेस आए हैं, तमिलनाडु की बात कर लें, केरल, पश्चिम बंगाल, तो उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखेंगे, पूरब से पश्चिम तक, तो अलग अलग प्रदेशों में ये मामले सामने आए। और ये मामले वो हैं जो रिपोर्ट किए गए, बहुत से मामले तो रिपोर्ट किए भी नहीं गए, क्योंकि लोगों में बहुत डर है इस बात को लेकर कुछ कहने या कुछ सुनने के लिए, वो डरते हैं। ऐसे ही एक पीड़ित से हमने बात की, क्योंकि आप हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हमने समझने की कोशिश की वो इस जाल में फंसा कैसे और अगर निकलना चाहे तो निकले कैसे। ज़रा सुनिए हिमांशु, जिसने ये दर्द झेला है, जिस पर 96 लाख का कर्ज है। गेमिंग ऐप युवाओं को बहुत तेजी से इसकी एक लत लग जा रही है या इसमें फंस जा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु हैं। हिमांशु, आपसे सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि आपको इसके बारे में जानकारी कैसे लगी कि इस गेमिंग ऐप को खेलना है या इस पे खेलेंगे, क्या इनिशियली क्या हुआ, कैसे पता चला आपको? सबसे पहले हम दोस्त को खेलते हुए देखे थे, उसी से देखे कि अच्छा है, खेल सकते हैं, इसको भी हम भी कमा सकते हैं, तो उसी से धीरे धीरे खेलना शुरू किए थे। तो जब शुरुआत में खेलते थे तो क्या पैसे आ जाते थे, आसानी से पैसे बढ़ते जाते थे, आसान लेवल्स थे? पहले उतने पैसे 49 रुपए लगाते थे, उतने वापस मिल जाते थे। अच्छा, और इसके बाद फिर देखने, इतना मेहनत करते हैं कुछ वापस नहीं मिलता है, फिर एडवर्टाइजमेंट देखे कि सट्टा लगा सकते हैं क्रिकेट पे, तो उस फिर उसमें आ गए थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप पैसे लगाते थे तो आपने कहाँ से वो पैसे लिए, आपके पास थे, आपके पेरेंट्स के अकाउंट से? नहीं, तो सबसे पहले तो इतना बाहर पढ़ते तो खर्च मिलता ही था, रूम रेंट, पीजी का रेंट, तो उसके बाद वहाँ से हारे, फिर अपना घर से है। तो घर से कैसे आपने पैसे लिए, मतलब अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के कार्ड्स का इस्तेमाल तो, क्या किया? वो घर वालों के पैसे कार्ड से ही लिए थे सबसे पहले। अच्छा, उन्होंने बहुत बार उन्होंने माफ़ किया, जाने दिए, फिर दोबारा खेलते हैं, फिर लॉस किए, फिर सोचे अगली बार गलती नहीं करेंगे, इस बार हर बार माफ़ किया, हर बार खेले, ऐसे करके हुआ। तो आपके मम्मी पापा को ये पता चल गया था कि आप ये पैसे यहाँ खर्च कर रहे हैं? हाँ, ये नहीं पता था कहाँ खर्च, ये पता था कि मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे थे, तो उनको इतना जो हम कह दे वो उस पर विश्वास करते थे, तो हम उनको बोले थे कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, उन्होंने OTP मांगा, हमने दे दिया, तो उन्होंने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो,
इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताइए, आप बता रहे हैं कि उन्होंने दो तीन बार माफ किया, फ्रॉड की बात आई, आपने क्या आपने भी फ्रॉड के जरिए पैसे, फ्रॉड मतलब वो वाला नहीं फ्रॉड की, मैं समझ गई कि आपने उनको बोला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ हाँ। है और पैसे आपने वहाँ लगा दिए, गेम में लगा दिए। अच्छा मुझे ये बताइए, जब जब ये सब कुछ हो रहा था तो क्या बार बार मन करता था कि और पैसे कहीं से आए, मैं खेलूँ? जीतने की लत क्या शुरुआत में लगाई इन गेम्स ने आपको? पहले जीतने की लत लगी थी, आज हम जीत रहे हैं तो हम जाके बाहर खाना खा रहे। अच्छा जो 1000 रुपये का नॉर्मली खाना दोस्तों के साथ खाना, तो पैसे जीतेंगे तब हम खाना खा रहे, फिर आदत लगने लगी 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे, 500 रुपये लगाए 1000 रुपये कमाए, खर्चा तो कितना कर्जा है आप पे इस वक्त हिमांशु? कर्जा मैम ज़्यादा ही होगी, जिन लोगों का पैसा लिए हैं वो तो देख रहे होंगे, वो तो हमसे पैसा मांगेंगे, कॉल तो बहुत आ चुके हैं तो देना तो होगा। कितना कर्जा है? ज्यादा ही होगा, ये तो हारा हुआ अमाउंट, हमने जो हारे हैं तो दूसरे का हारे हैं, अपना नहीं हारे। कितना हारे आप? 96 लाख। तो इतना बताइए, तो 96 लाख बताए कि इतना हो सकता है, इससे ज्यादा ही हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ। मुझे एक बात और बताइए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मुझे ये बताइए जो पैसा था ये आप भेजते कैसे थे, कैसे ट्रांसफर होता था, क्या कोई बैंक अकाउंट होता है? बैंक अकाउंट, उसमें आप ऐड, जैसे कि कैसीनो गेमिंग एप्स आते हैं ना, महादेव बुक के जो साइट्स होते हैं उसमें आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगा, वहाँ आप डिपॉजिट अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वो अपना पैसा ऐड करके दे देंगे वेबसाइट पे। ठीक है, इसमें आसानी से खेल सकते हैं। तो देखिए आप 96 लाख से करीब, उससे भी ज्यादा बता रहे हैं हिमांशु, जितना पैसा वो खर्च कर चुके हैं, उनके पीछे कर्जदार लगे हुए हैं, उनका करियर बिल्कुल दांव पर लग चुका है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी लत से बचना है और ये सावधान करने वाली खबर आपके लिए है। तो हिमांशु जो बता रहे थे उनमें कौन कौन से ऐसे ऐप्स थे जिसमें अलग अलग गेम्स के जरिए ये पैसे बनाए जाते थे, अब वो आपको बता रहे थे कि क्रिकेट को लेकर इस तरह का बेटिंग ऐप है, इसके अलावा आपको बताया फुटबॉल को लेकर इस तरह के ऐप्स अवेलेबल हैं, टेनिस, हर खेल को लेकर, लगभग हर खेल को लेकर, पोकर खेलने को लेकर, सब में बेटिंग की जाती है, पैसा डबल ट्रिपल तीन पत्ती कसीनो, ये तमाम गेम्स हैं जिसका इस्तेमाल करके ब्रेन वॉश किया जाता है, लूडो जो आप और हम घर में खेलते हैं, ये तमाम गेम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैरम, और इन पर आप अंदाज़ा लगाते हैं कितना देंगे, क्या होगा, और उस आधार पे यहाँ तक कि कलर चेंज करने को लेकर भी गेम है, क्या आप अंदाजा लगाइए कि ये कलर अगर इससे मिलता है तो क्या होगा उसका रिजल्ट, और उस पे अगर आप पैसे लगाते हैं तो 100 के 200, 200 के 300, ऐसे करके आपका एक आपके माइंडसेट में ये फीड कर दिया जाता है कि आप कमाते जाएंगे। जैसा हिमांशु कह भी रहे थे, आप सुन रहे थे कि 500 का 1000 हो जाएगा, वो जो सपना है 500 का 1000, 1000 का 2000 वो दिखाया जाता है, वैसे ही किया जाता है, और ऐसे में ये विदेशों से खेला जा रहा है, जो हम कह रहे हैं कि बाहर कनेक्शन है, चीन का तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके विदेशी ठिकाने कहां कहां हैं? कैमन आइलैंड से ऑपरेट होता है इस तरह का जो गेमिंग फंक्शन है, पूरा सर्वर कहां से मिलता है? कैमन आइलैंड से, कुराकाओ से, ये तमाम वो विदेशी ठिकाने हैं जहां से ये ऑपरेट हो रहा है, माल्टा से, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर सट्टेबाजी वैलिड है, कानून है यहां पर उसको लेकर, साइप्रस, कैसे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, भारत से चले जा रहे हैं विदेश, मॉरिशस, ये अलग अलग जगह हैं जहां से ये पूरा सर्वर ओरिजिनेट होता है, क्योंकि वहां पर ये वैलिड है और पैसा भारत से जाता है, खिलवा वहां से रहे हैं, पैसा भारत से जाता है और पहुंच कहां जाता है? विदेश में पहुंच जाता है, इन सर्वर्स में पहुंच जाता है, और लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद आप ये समझें और इसको लेकर एक तरह से अपने आस पास अपने बच्चों को या अपने जो परिवार के लोग, अगर उन्हें आदत है तो उन्हें ये खबर जरूर दिखाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए।